अल्लाह यासिन जी साहब, सूबाई वज़रा जनाब सरदार यार मुदरीन साहब, जनाब खालिक हज़ारा साहब, सूबाई काबीना, सूबाई पार्लियामेंट से ताल्लुक़ रखने वाले MPAs, MNAs यहाँ पे मौजूद, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करते हुए हुर्रियत रहनुमा जनाब जाहिद सफ़ी साहब, इस पिंडाल में मौजूद बलूचिस्तान के कबाइली सियासी मुख्तलिफ इलाकों से आए वाले दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, पार्टिसिपेंट्स, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ यौम यकजहती कश्मीर की इस तारीखी तकरीब में मौजूद हैं और आज का ये इज्तिमा यकीनी तौर पर जाहिर करता है कि बलूचिस्तान के मुहिब वतन लोग गयूर बहादुर मजलूम कश्मीरियों के साथ अपनी यकजहती और आवाज़ बुलंद करने के लिए आज यहाँ सब मौजूद हैं। दोस्तों, पिछले एक साल से हम एक नई तरीके से भारत के इस जुल्माना अंदाज में जो हुकूमती तरीक़ेकार कश्मीर पे है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात देखे हैं, लेकिन इस नौयत का तरीक़ेकार बहुत कम देखा गया है कि जहां अपने ही मुल्क के अंदर भारत इस तरह का एक तरीक़ेकार पेश कर रहा है कि ये एक तासुर पूरी दुनिया को देना चाह रहा है कि हम अगर भारत के अंदर हुक्मरानी का तर्ज अपनाने जा रहे हैं तो स्टेट लेवल पर इंतहा पसंदी का है। अमूमन हमने इस पूरे दुनिया में कुछ सियासी हवाले से या बहुत सारे तंजीम दीनी हवाले से ज़रूर देखे होंगे जो बहुत तंग नज़रिए के हवाले से अपना एक बयानिया पेश करते हैं, लेकिन बहुत पहली दफ़ा ऐसा देखा गया है कि कोई मुल्क अपनी एक गवर्नमेंट पॉलिसी को इंतहा पसंदी की तरफ ले जा रहा हो। और ये वो बात है जिसको बार बार पाकिस्तानी लोग, कश्मीरी लोग, दुनिया में वो तंजीमें जो हकूक़ पे, जो लोगों की आज़ादी पे एक बहुत बड़ा बिलीव रखती हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाह रही हैं कि ये सिर्फ कश्मीर का मसला इस हवाले से नहीं है कि जहां हिंदुस्तान ये कोशिश करके दिखा रहा है कि जबर के साथ वो एक खत्ते को अपने पास रख रहा है और वहाँ के लोग उसके साथ हैं, बल्कि वो अपनी एक सोच को जाहिर कर रहा है जिसकी अक्कासी अगर 70 साल पहले अगर हम देखें, आज उन चीज़ों पे गवाही बनती है कि पाकिस्तान की जब तख्लीक हुई तो बहुत सारे लोगों ने यही सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है कि हम जो 100 साल से, हजारों साल से एक खित्ते में मौजूद हैं, हम आगे भी एक साथ नहीं चल सकते। और इसमें बहुत सारे ऐसे दानविशर थे, बहुत सारे ऐसी सियासी तंजीमें थीं जिन्होंने एक बहुत बड़े हिस्से को बावर भी कराया था कि नहीं, हिंदुस्तान का खित्ता जो है वो एक ही रहना चाहिए और हम बड़े अच्छे माहौल में यहाँ ज़िंदगी हमेशा की तरह गुजारेंगे। कुछ चीज़ें वक्त के साथ इंसान अपनी आंखों से देखता है, तब उसको बावर होता है कि शायद एक मंसूबा, एक शक्ल जो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी, एक तरीक़ेकार जो बहुत हुसन से लबरेज था और बहुत सारे ख्यालात जिनको दिखाया जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आज 77 साल 73 साल बाद हम अपनी आंखों से कश्मीर में देख रहे हैं। और आज न सिर्फ वो कश्मीर में देख रहे हैं बल्कि वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में हैं, वो मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं, वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में वोटर हैं, सियासतदान हैं, तंजीमों में हैं, एक शहरी की हैसियत रखते हैं, आज उन पर सवालिया निशान भी आया है कि क्या ये लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो आप सोचें कि 77 साल 73 75 साल बाद आज अगर इस तरह का माहौल हम अपने पाकिस्तान में अपनी अकलियत बरादरियों के साथ करें, वो किस माहौल में इस घुटन में यहां जिंदगी गुजारेंगे। और आज पाकिस्तान दूसरी तरफ है,
हमारे बड़े जज्बाती और एक बड़े अच्छे अंदाज में अपनी इमोशंस को बयान करने में दिनेश कुमार साहब ने जो तकरीर यहाँ की, आज पाकिस्तान में हर अकलियत से ताल्लुक रखने वाला एक मर्द, औरत, नौजवान उसी जज्बे से, उसी इख्तियार के साथ आज इस स्टेज पे आके अपने आप को पाकिस्तानी दिखाता है जिस तरह मैं और आप भी हैं, और ये फर्क अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते में, इस मुल्क में कभी नहीं देखा गया। लेकिन इस फर्क को हम अपने पड़ोसी मुल्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा दावेदार बनता है जमहूरियत का, जो दुनिया में सबसे बड़ा दावेदार अमन का अपने को कहलाना चाहता है, जो दुनिया में एक बहुत बड़ा अपना असर दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तान दुनिया में एक अक्सरियत इक्तिसादी हवाले से, भाईचारे के हवाले से सबके साथ रखना चाहता है, ये वो असल हकायक हैं जो दुनिया के सामने अभी पेश हो रही हैं। मैं हरगिज़ इस बात पे नहीं आता कि हिंदुस्तान में सारी सियासी हुकूमतें या हिंदुस्तान में सारे फिके या हिंदुस्तान में जितने भी सियासी तंजीमें सब इस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन ये एक सोच जो बीजेपी हुकूमत की तरफ से आई है, ये उन सब हकायक को एक जामे पहनाने में किरदार जो इन्होंने एक अदा किया है पिछले एक साल में, ये उन सब चीज़ों को जाहिर कर रही है कि किस तरह का मंसूबा वो अपने मुल्क में ला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने, पिछले पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने, और इस पूरे मुहिम के साथ, कश्मीरियों के साथ, पूरी दुनिया में जिन जिन तंजीमों ने, जिन जिन इलाकों ने, जिन जिन मुल्कों ने साथ दिया, उन्होंने एक नया पिक्चर हिंदुस्तान का दुनिया के सामने इस हुकूमत के हवाले से पेश किया कि इस तरह की हुकूमतें कभी कामयाब नहीं होंगी और उनके मंसूबे भी कभी कामयाब नहीं होंगे। वो हुकूमतें जो अपने मुल्क के अंदर खुद अपने ही तंजीमों, अपने ही सियासी पार्टियों को भी पाबंद करें अपने ही मुल्कों में जाने के लिए और एक तज़िया बयान करने में, और फिर अपने ही पार्लियामेंट में इस तरह के तरामीम लाएं, इस तरह के लेजिस्लेशन लाएं जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया उस मुल्क पे खुद खड़ा करें, ये बहुत बड़ा एक स्टेप है जो जिस अंदाज में भी लिया गया है आज उसके नतायज इंडिया को खुद भुगतने पड़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो हमारा एक फ़र्ज बनता है एक मुसलमान की हैसियत से, एक पाकिस्तानी हैसियत से, एक पड़ोसी की हैसियत से अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, और मेरे ख्याल पाकिस्तान के पूरे दौर में पाकिस्तानी सियासी इदारों ने, तंजीमों ने, लोगों ने हर लिहाज से जब भी मौका मिला है अपने कश्मीरी भाइयों के लिए अपनी आवाज़ उठाई है, अपनी यकजहती का एक नजराना हमेशा पेश किया है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, कश्मीर में हो, या दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, और इसी चीज़ को हमने हमेशा के लिए आगे रखना है। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी आखिर हम अपनी क्या जिम्मेदारी पेश करें, ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक मुसलमान की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, जिसमें हर किस्म के लोग मौजूद हैं, हर रिलीजन एस्पेक्ट के लोग मौजूद हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हों, सियासी हों, या कोई भी हो, हमने एक अच्छे और एक हक के हवाले से अपनी आवाज़ को हमेशा आगे रखना है, और इस आवाज़ ने पिछले एक साल में दुनिया में बहुत सारे लोगों को, इदारों को, सबको मजबूर किया कि वो इस बात को सीरियस लें और कश्मीर की बात को किसी न किसी नतीजे पे पहुंचाने के लिए दुनिया में अपनी आवाज़ बुलंद करें। आज बलूचिस्तान के लोग, मैं और आप, उसी जज्बे के साथ आज यहाँ मौजूद हैं, जिस तरह हम 14 अगस्त के दिन को मनाते हैं, जिस तरह हम अपना कोई और त्यौहार मनाते हैं, आज हम सब इसी जज्बे के साथ इस प्रोग्राम में 5 फरवरी के हवाले से यहाँ मौजूद हैं और अपनी यकजहती का इजहार अपने मुसलमान भाइयों और कश्मीर में दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं, जो इस बात का तकाजा हमसे रखते हैं कि हमारे लिए हर इंसान, हर मुल्क अपनी जद्दोजहद जारी रखे। मैं बड़ा खुश हूँ, खराज तहसिन पेश करता हूँ आज के जितने भी परफॉर्मर हैं, जिन्होंने अपनी तकारीर में, जिन्होंने अपने टैबलोज में, जिन्होंने अपनी आवाज़ में, जिन्होंने अपनी तकारीर में अपने जज्बात, अपने ख्यालात, इन सब का इजहार किया। आप सबका बड़ा शुक्रिया, हम सब का, कि आज बलूचिस्तान एक दफ़ा फिर इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को आगे दिखाया है। यकीनी तौर पे शायद हम इस पूरे
معاملے میں اس طرح کی پیش رفت نہ دکھا سکیں جو شاید بہت ساری اور تنظیمیں کر سکتی ہیں، بہت سارے اور علاقے کر سکتے ہیں. ہم شاید تعداد میں بہت کم ہیں، ہماری آواز شاید انٹرنیشنل یا نیشنل میڈیا میں بھی نہیں پہنچ سکتی بار بار، لیکن ہم اپنے جذبات اور خیالات کو اس طرح جب دنیا کو دکھاتے ہیں تو یقینی لوگ، یقینی حوالے سے لوگ بلوچستان کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ ہم آزاد کشمیر گئے اور سب گئے، سب پارٹیاں گئے، چاہے اس میں اپوزیشن کی پارٹیاں ہوں، حکومتی پارٹیاں ہوں، کوالیشن کی پارٹیز تھیں، سب ہم وہاں موجود تھے. اور ہم نے جس جذبے کے ساتھ وہ دورہ کیا، آپ یقین کریں کہ جب بھی مجھے کشمیر کے حوالے سے جو بھی لوگ ملتے ہیں وہ اس کو بہت سراہتے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور ہم نے اپنی اس ثقافت کو، اپنے اس بلوچستان کے ہمارے اس رویے کو اور اپنی ان احساسات کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کو دکھانا ہے اور یہ محسوس کروانا ہے کہ بلوچستان کے لوگ ہر چیز کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور احساس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد، کشمیر ہمیشہ پائندہ باد.